मुबारकबाद देता हूं। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उससे ज्यादा जरूर शामिल करने में शामिल हुए हैं। जैसे हम अपने नीतीश बाबू को तेजस्वी हैं, हम लोग इन्होंने शामिल किया और खासकर भारत के राजनीति के चाणक्य हमारे अपने शरद पवार जी को, गेम चेंजर हमारी ममता बनर्जी जी को, चाहे और भी बहुत सारे दलों के नेतागण हैं, ये सब आ रहे हैं। ये बहुत इसका अद्भुत ना, ये बहुत ही अद्भुत रंग लाएगी, लेकिन ये रंग का कोई शायद तोड़ नहीं होगा। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है, बहुत दिनों बाद इन लोगों एक साथ आ रहे हैं और ये बहुत शुभ संकेत है और हमारी यही कामना, प्रार्थना और मनोकामना है ये रंग लाए और ये रंग ऐसा रंग लाएगा कि इसमें बाकी जो है रूलिंग पार्टी के हमारे मित्रगण जो है वो सब बेरंग हो जाएंगे। सर, वो प्रोटेस्ट पे सरकार के रवैये को लेकर क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं आप? वुमेन्स प्रोटेस्ट पे सरकार के रवैये को लेकर सर क्या कहेंगे? सरकार का रवैया तो अब मैं तो साथ, मैंने कई बार आपको पता है कि मैंने बहुत बोला भी है इस मामले में, ये मुझे लग रहा है कि ज्यादती हो रही है, बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है ये। और एक तरफ हमारे मित्रगण कहते हैं, रूलिंग पार्टी के दोस्त को कहते हैं कि उनका नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? देश की बेटियां जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया है, या बहुत वो सुधीर चौधरी सब कहते हैं उनके शब्दों में जो देश की मान और सम्मान के साथ साथ आन बान और शान है, वो आज सड़कों पे हैं, इतने दिनों से इतने महीनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको साथ नहीं मिल रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ये वाकई बहुत ही दर्द का विषय है, शर्म की बात। एक चीज बताएं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगी, प्रधानमंत्री के गुण उनमें है? अभी अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, जिनको भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बड़े परिपक्व बड़े मैच्योर लीडर हैं, शायद उनसे बड़ा लीडर आज बहुत ही शायद ही कोई होगा पूरे देश में, जिनका हर दल में सम्मान है, हर दल में प्यार करते हैं, मानते हैं, ऐसे हमारे शरद पवार जी, उन्होंने आज खुद कहा है, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री का जो है वो अभी इम्तिहान नहीं है, अभी प्रधानमंत्री बनने की बात अभी नहीं हो रही, प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो इसके बाद सारे दलों को, क्या जितने खास दल हैं उन सबको साथ आने की आवश्यकता है, ये लोग आ जाएंगे, उसके बाद जीत होगी, अवश्य होगी, विजय हासिल करेंगे ये लोग अपनी शक्ति, क्योंकि आज जो है रूलिंग पार्टी की और खासकर हमारे सत्ताधारी वो उन लोगों का मान बहुत कम हो चुका है, खामोश सुनते जाओ, उनका बहुत कम हो चुका है हमारे रूलिंग पार्टी का, हर स्टेट में या शायद सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टेट उनको वो सीटें प्राप्त नहीं होंगी, इस बार हासिल नहीं होंगी जिसका वो दम लगाए हुए, तभी ताजा एग्जाम्पल है जिस तरह से उन्होंने बजरंग बली को बजरंग दल से मिलाने की कोशिश की, दोनों अलग अलग हैं, बजरंग बली का इतना वहां पे बजरंग दल से मिलाकर कर्नाटका में ऐसा लगा कि बड़ा मास्टर कार्ड मिल गया उनको, तमाम हरकतों के बावजूद, तमाम ईवीएम मशीन के बावजूद, यानी भले 65 सीट्स ले गए कर्नाटका में, लेकिन मुंह के बल गिरे, और मुंह के बल ऐसा गिरे जो सोचा नहीं था। ये बात सिर्फ हिमाचल की ही नहीं है, ये बात सिर्फ कर्नाटका की ही नहीं है, अभी देखिए विपक्ष के प्रति लोगों का क्या प्यार और क्या मान बढ़ रहा है, कि आपने देखा होगा कि जिस नगर निगम के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाकर पेश किया गया, यहाँ धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल साहब किस कदर विजय हुए उसमें दिल्ली में, तो अभी जहां जहां आप देख रहे हैं सिवाय गुजरात का अपना घर और गढ़ रहा, जहां भारत सरकार पूरी बैठ गई थी गुजरात में, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी हर जगह आप देखिए क्या हो रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।